हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। आज 13 अगस्त की सभी कर्मचारियों और पेंशन के लिए दिन भर की 6 बड़ी खबरें लेके आया हूँ। आपको सारे के सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखाए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस घंटे के निशान को भी प्रेस कर लीजिए, तभी आप तक हमारा कोई भी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा और आप हमारे वीडियो देख पाएंगे। अदरवाइज आप हमारा कोई भी वीडियो नहीं देख पाएंगे अगर आप इस घंटे के निशान को नहीं प्रेस करते हैं, नहीं दबाते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, एक एक करके सारी न्यूज़ दिखाते हैं। पहली न्यूज़ आ रही है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्स एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ चाइल्ड केयर लीव CCL टू सिंगल मेल सिविलियन एम्प्लॉयज़। यानी जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उन्होंने ये अप्रूव कर दिया है कि जो अगर आप चाइल्ड केयर लीव में सिंगल मेल सर्विस में हैं, पर्सनल है, तो सिंगल मेल सर्विस पर्सनल है, तो आपको जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ चाइल्ड केयर लीव CCL टू सिंगल मेल सर्विस पर्सनल एंड सर्टेन रिलैक्सेशन ऑफ CCL प्रोविजन इन केस ऑफ वीमन ऑफिसर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेज इन लाइन विद द रिसेंट DOPT ऑर्डर एक्सटेंडिंग सिमिलर बेनिफिट्स ऑफ CCL टू सिविलियन एम्प्लॉयज। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें और बाकी डिटेल है, आप देख सकते हैं अच्छे से। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो सिविलियन मेल जो है एम्प्लॉयज थे, जो सिंगल पेरेंट थे अपने बच्चे के लिए, उसी के रिलेटेड ये न्यूज़ है। चलिए आपको दूसरी न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। दूसरी न्यूज़ जो आ रही है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज ग्रुप सी की तरफ से आ रही है। उन्होंने कुछ चीज़ें की तरफ से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो उनके काम करते टाइम आते हैं, उसी से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया। सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, उस रिलेटेड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी इशूज़ है उनको उनको सही किए जाएँ, उसी से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, आप देख सकते हैं इसमें। और चलिए तीसरी न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। तीसरी न्यूज़ जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के इंस्पेक्शन यूनिट से ली गई है कि जो इंस्पेक्शन क्वेश्चनाइजर होते हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, उनको रिवाइज किया गया है। आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में, पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप। इनमें टेक्नोलॉजी जो है, दर्पण और IPP भी है, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। और उनकी साथ में आप देख सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स में ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू फैमिलराइज द इंस्पेक्टिंग अथॉरिटीज विद द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर इंस्पेक्टिंग ब्रांच पोस्ट ऑफिस। जो आप देख सकते हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स जो होते हैं उनके उनके ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे प्रोग्राम से फैमिलराइज, ताकि उससे जो पोस्ट ऑफिस हो उसके जो टूल्स होते हैं, उसके रिक्वायर्ड टूल्स होते हैं, उनसे वो फैमिलराइज हो सकें, तो आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। चलिए आपको नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है, आप देख सकते हैं, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है कि जो पोस्टल सुपरिटेंडेंट हैं, अगर वो पे बैंड अभी 3 में, लेकिन अगर वो 4 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं, तो उन्हें अब पे बैंड 2 में रखा जाएगा। ग्रेड पे सेम रहेगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, 5400 ग्रेड पे एक ऐसा ग्रेड पे है जो ग्रुप बी पे बैंड 2 और पे बैंड 3 दोनों में रखा गया है, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि पे बैंड 3 में जो नॉन फंक्शनल स्केल में, अगर आप 5400 ग्रेड पे हैं लेकिन आपका डेजिग्नेशन जो है पोस्टल सुपरिटेंडेंट है, और आप अगर 4 साल की रेगुलर सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको अब पेमेंट 2 में 5400 ग्रेड पे में रखा जाएगा, उसी से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है। आप पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ है इसमें। चलिए आपको लास्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं, सेकंड लास्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय की तरफ से सभी केंद्रीय सिविल पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय एक पेंशन अदालत आयोजित करने जा रहा है, जो कि दिनांक 23 अगस्त 2019 को केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय भिकाजी कामा प्लेस त्रिकूट सेकेंड नई दिल्ली 11000066 पर आयोजित होगी। तो आप देख सकते हैं ये बड़ी न्यूज़ है, 23 अगस्त को ये डेट याद रखें आप, 23 अगस्त 2019 को केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय भिकाजी कामा प्लेस पर ये आयोजित होने जा रही है सिविल अदालत, आप देख सकते हैं इसमें। चलिए आपको कैंसन अदालत थी, पेंशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे। लास्ट न्यूज़ जो आ रही है, आप देख सकते हैं, ओपनिंग ऑफ वन ऑल वीमन पोस्ट ऑफिस एट ऑल पोस्टल डिवीजन ऑफ केरला सर्किल। यानी केरला सर्किल में एक पोस्ट ऑफिस पूरा ऐसा होगा हर पोस्टल डिवीजन्स में, जिसमें सिर्फ वीमन्स काम करेंगी, आप देख सकते हैं इसमें। द वीमन
पोस्ट ऑफिस बी इनॉग्रेटेड ऑन 14 अगस्त 2019 एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। और ये 14 अगस्त को जो है सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेशन पर ये 14 अगस्त को इसका इनॉग्रेशन यानी इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो एक अच्छी न्यूज़ है, आप देख सकते हैं हर पोस्टल सर्किल में जितने भी पोस्टल डिवीज़न होंगे केरला सर्किल में उन सब में एक विमन पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेट किया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। अब मैंने आपको पांचों न्यूज़ बता दी हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।